हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास ऑफ इनपुट डिवाइसेस, जिसमें कि कनेक्टिविटी डिवाइसेस आती हैं। कनेक्टिविटी का मतलब है कनेक्शन करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती हैं, जैसे ब्लूटूथ है। आप सबको पता है कि हम एक के फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करके दूसरे से ऑन करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करती है ब्लूटूथ? लो पावर की रेडियो वेव्स यूज़ करती हैं कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन ब्लूटूथ की एक प्रॉब्लम क्या है कि ये थोड़ी दूर जाने पर अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस का कनेक्शन करना है तो हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे काफ़ी फास्ट कनेक्शन होता है, बिना वायर के होता है, लेकिन 10 मीटर तक ही रहता है। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर हमने जैसे एक रूम में है और दूसरे रूम में ब्लूटूथ है और 10 मीटर के रेंज में हैं अगर हम, तो बीच में जो दीवार है उसका कनेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया अगर दो कनेक्शंस के बीच में और वो कनेक्शन विद इन रेंज है, तो उसकी स्पीड पे कोई इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या कनेक्शन है वो कटेगा नहीं, वो चालू रहेगा। नेक्स्ट डिवाइस इन दिस कैटेगरी इज़ वाईफाई। वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का मतलब है ये भी रेडियो वेव्स यूज़ करता है, तो वायरलेस हाई स्पीड नेटवर्क के लिए। मतलब ब्लूटूथ से वाईफाई है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये इसका कहें अगर तो एफिशिएंट है, दूसरा कॉस्ट भी बहुत कम पड़ती है। वाईफाई से हम कनेक्ट कर लेते हैं एक से दूसरे से, तो मोबाइल्स में, टैबलेट्स में, पीसीज में यूज़ होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सिक्योरिटी। अगर वाईफाई का पासवर्ड लीक हो गया तो कई और डिवाइसेस कनेक्ट कर सकती हैं। तो एक तो इसकी सिक्योरिटी वीक रहती है, और दूसरा जिससे कई डिवाइसेस कनेक्ट करने पे हमारे रेंज पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। कोई बार गलत जो पर्सन है वो भी कनेक्ट कर सकता है। या लिमिटेड रेंज, मतलब इसकी भी रेंज है, ब्लूटूथ की रेंज तो 10 मीटर तक है, इसकी 20 मीटर तक है। तो मतलब दूर जाने पे कनेक्टिविटी अपने आप से डिस्टर्ब हो जाती है या फिर ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट और लास्ट इनपुट डिवाइस, जिसे हम वीडियो इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं, कैमरा, वेब कैमरा। वेब का मतलब है नेट। आजकल सिस्टम्स में जैसे लैपटॉप वगैरह में कैमरे आते हैं, फ़ोन में भी आते हैं, जैसे किसी सिस्टम में नहीं भी हैं तो हम छोटा सा कैमरा खरीद सकते हैं। जैसे जगह जगह आपने देखा होगा सिक्योरिटी के लिए दुकानों पे कैमरे लगाए गए हैं, ऐसे ही कैमरा हम अपने सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेब कैमरा लगाते हैं और वो क्या करता है, वीडियो फोटो लेने के लिए। किस लिए इस्तेमाल होते हैं जनरली? वैसे तो देखो, स्टार्टिंग जब हुई थी तो ऑनलाइन चैटिंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होते थे, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, सस्ते पड़ते हैं। लेकिन आजकल घरों में, ऑफिस में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होने लग गए हैं। तो ये हमारा इनपुट डिवाइसेज यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइसेज के बारे में।